नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दिलीप जोशी, आप देख रहे हैं दिलीप यूट्यूब चैनल को। दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं कि मैं कटरा स्टेशन पर उतरा था, आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं जो कि हरिद्वार टू जय माँ वैष्णो देवी कटरा तक ले है। और दोस्तों जस्ट हम लोग अभी स्टेशन से उतर कर और सीधा यहाँ पर आए हैं जो कि बस स्टैंड के पास, जो कि दोस्तों ये पर्ची लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप लोग का नाम वाम पता होता है, जैसे सब होता है इसमें फ़ोटो। यहीं जय माँ वैष्णो देवी के पास आप लोग को पर्ची दोस्तों देना पड़ता है, तभी वहाँ पर एंट्री होगा सबसे ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग आकर अपना पर्ची कटवा लीजिएगा, उसके बाद से यहाँ से हम लोग चलते हैं। और सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि दोनों यानी पर्ची ले लिए हैं और आगे अब हम लोग चलते हैं। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, जब मैं पठानकोट से आगे बढ़ा तो वहाँ पर मेरा जो हमारे यूपी का सिम था वो बंद हो गया है, और मैं यहाँ पर सिम लिया हूँ जो कि आप लोग सिम देख सकते हैं। और ये वोडाफोन का सिम है और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जो कि 300 रुपये का मुझे मिला है दोस्तों। तो यहाँ पर एक महीने का इसका अनलिमिटेड है, कॉलिंग 1.5 GB मिलेगा। तो दोस्तों यही है, अभी मैं इस सिम को लगाता हूँ उसके बाद से। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं हम लोग गेट के पास पहुँचने वाले हैं, और काफ़ी देख सकते हैं अच्छा नज़ारा है। और अभी हम लोग गेट पर लमसम पहुँचेंगे जस्ट थोड़ा सा और चलने के बाद। और यहाँ से मैं आप लोग को गेट दिखा दे रहा हूँ कि जस्ट नीचे गेट है, देख सकते हैं दोस्तों यही गेट है जो कि सामने है। अभी मैं आप लोग को सामने से भी गेट दिखाएंगे जहाँ से प्रवेश हम लोग करेंगे, और काफ़ी अच्छा गेट है। तो चलते हैं और देखते हैं, काफ़ी भीड़ भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ से प्रवेश अब लेंगे और उसके बाद से हम लोग जाएंगे बाल गंगा दोस्तों। तो वहाँ से अभी हम लोग प्रवेश इसी गेट से लेंगे, देख सकते हैं। और आप लोग को बैक कैमरा से भी गेट दिखा दिया हूँ और चलता हूँ सिंपली। और आप लोग को दोस्तों वहाँ पर चेकिंग हो रहा है काफ़ी, तो वहाँ पर हम लोग का बैग चेक होगा, उसके बाद से हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ से प्रवेश लेंगे। उसके बाद से हम लोग पहुँचेंगे बाल गंगा, और बाल गंगा में दोस्तों नहाएँ हाँ फ्रेश होकर फिर से अधकुंवारी हम लोग पहुँचेंगे। तो देख सकते हैं यही है, और अब हम लोग चलते हैं, बैग यहाँ पर चेक वो करवाते हैं, उसके बाद से आगे हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग आ गए हैं बाल गंगा घाट, जो कि देख सकते हैं काफ़ी लोग नहा रहे हैं नीचे। अभी हम भी लोग जाएंगे नहाने, बाल गंगा आ गए हैं। और ये दोस्तों पुराने वाला बाल गंगा है, आगे एक नया बाल गंगा है जो कि वो न्यू बना है। तो अभी मैं चल कर आप लोग को दिखाऊंगा दोनों बाल गंगा। तो सिंपली देख सकते हैं हम भाई बैठे हुए हैं और हम लोग थक गए हैं, यहीं पर स्नान करेंगे और स्नान करके देखेंगे तो आगे तब जगह न्यू बाल गंगा तक जाएंगे, और आगे हम लोग जहाँ जाएंगे आप लोग को वीडियो बनाकर दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग अभी नहा वहा लिए हैं यहाँ पर, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और सिंपली दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, अभी न्यू जो बाल गंगा है उसे दिखाएंगे, उसके बाद से सिंपली हम चलेंगे अधकुंवारी जो कि वहाँ पर, तब एक आप लोग दिखाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड जैसे कि हम लोग न्यू बाल गंगा पहुँच गए हैं, और देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर भीड़ है और लोग काफ़ी लोग नहा रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और नीचे है, चलते हैं नीचे आप लोग को दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग जस्ट चढ़ाई किए हैं, तब यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी, और आगे देख सकते हैं
सरस्वती जी का मूर्ति बना हुआ है और यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं हनुमान जी का। तो दोस्तों आप मंदिर है अंदर और सिंपली आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं ये मंदिर, तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर, जो कि दोस्तों देख सकते हैं सामने ये मंदिर है और पूरे अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। और आप लोग को बता दें कि यहाँ इधर भी है जो कि वो भी चरण पादुका मंदिर है, जो कि शायद दिख रहा है वहाँ पर छोटा सा, और वो दोस्तों पुराना है। और यही मंदिर में तो वीडियोग्राफी या फ़ोटो अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं मंदिर में तो फ़ोटो नहीं ले सकता दोस्तों। तो सिंपली आप लोग को बाहर से ही मंदिर दिखा दे रहे हैं और मैं अंदर जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि काफ़ी चलने के बाद अभी हम देख सकते हैं ऊपर अर्धकुंवारी है, अभी वहाँ पर जाएंगे तब हम लोग रेस्ट वेस्ट करेंगे और उसके बाद से अभी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। ये भी एक सीढ़ी है जो कि अभी हम लोग पकड़ने जा रहे हैं और चलते हैं, सिंपली आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए थे लमसम दोस्तों 2 घंटे पहले, और हम लोग ये धर्मशाला में रुके हुए हैं और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था इसी के वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर धर्मशाला में आप लोग देख सकते हैं और यही है गर्भजोन मंदिर दोस्तों। तो गर्भजोन मंदिर आप लोग देख लिए हैं और अभी हम लोग का बैग अंदर है और आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर वो है मेरा बैग, वहाँ पर मैं पावर बैंक चार्ज में लगाया हूँ जो कि काफ़ी शोर हो रहा है। और आप लोग यहाँ का सीन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, पहाड़ी है खाली बगल में। और अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे दोस्तों गर्भ जोन में, हम जैसे लौटानी में ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर नंबर सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। तो हम लोग इस टाइम सिंपली जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर तक। तो दोस्तों सिंपली चलते हैं और आप यहाँ का कुछ मैं बैक कैमरा से आप लोग को दिखा दूंगा नज़ारा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आने के लिए तो दोस्तों घोड़े से आ सकते हैं या तो पालकी से आ सकते हैं दोस्तों, और यदि आप पैदल भी आ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जैसे हवाई जहाज़ से आते हैं तो वो डायरेक्ट जय माँ वैष्णो देवी मंदिर के पास ही वो जहाज उतारता है। तो यही है दोस्तों, और यहाँ पर घोड़ा पालकी और हवाई जहाज तीनों का सुविधा है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों हम सिंपली अब लोग चलते हैं जय माँ वैष्णो देवी मंदिर तक। और तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं ये गर्भजोन मंदिर है के प्रवेश द्वार है, और वहाँ से आप लोग को पर्ची लेना पड़ता है गर्भजोन का। और दोस्तों पर्ची लेने के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद आता है। तो सिंपली हम लोग तो पर्ची ले लिए हैं और दोस्तों हम लोग सीधे जय माँ वैष्णो देवी जा रहे हैं। जब उधर से लौटेंगे तब जाके हम लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद से हम लोग सिंपली तब जाके नीचे उतरेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, तो आगे आप लोग देखते रहिए वीडियो। और तो फ्रेंड जैसे कि सिंपली हम लोग निकल गए हैं जय माँ वैष्णो देवी खातिर, और ये नीचे जो रास्ता जा रहा है उसी से हम लोग जा रहे हैं। उतरते टाइम हम लोग ऊपर के रास्ता से आएंगे, और काफ़ी लोग इसी पर जा रहे थे और अच्छा यही है क्योंकि मान लीजिए पैर भी नहीं दुखेगा, इसीलिए हम लोग इस रास्ते को चुने। और काफ़ी ऊंचे होने से ऊंचे जाने की वजह से यदि पैर दर्द करने लगा था, और उधर से आने में जब भैरव बाबा के पास जब हम लोग चढ़ जाएंगे उसके बाद से हम लोग आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं। तो
तो अभी तो हम लोग सिंपली अभी निकले हैं, तो अभी देखते हैं कब तक ले हम लोग पहुँचते हैं। काफ़ी अभी दूर जाना है, तो देखते हैं और चलते। गेट नंबर 3 आगे था और उसके बाद से अंदर जाते हैं लोग दर्शन करने। और तो दोस्तों सिंपली हम लोग तो सुबह जाएंगे दर्शन करने, परंतु दोस्तों जब मैं गेट से प्रवेश करेंगे तो उस टाइम तो मोबाइल मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं जा सकता है मंदिर में। तो काफ़ी हंगामा भी हो रहा है, देख सकते हैं काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, और इधर भी देख सकते हैं बैठक के लिए बना हुआ है और काफ़ी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि जाली के अंदर देख सकते हैं, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। और हर वक्त दोस्तों इतना भीड़ ज़्यादा चलता रहता है, और काफ़ी आप लोग को मैं दिखा दूँ पास से कि यही है जो कि घेरवाटे किया गया है। और सिंपली दोस्तों वहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे, जो कि अभी हम लोग सुबह करेंगे। यहाँ पर हम जा रहे हैं धर्मशाला में दोस्तों, कि कोई धर्मशाला में हम लोग आज टिकेंगे रात में, क्योंकि रात में धर्मशाले में ही रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और काफ़ी ठंड की वजह से चलते हैं धर्मशाला में। और इस टाइम 5 बज रहा है तो फ्रेंड यही मैं आप लोग बता रहा हूँ कि यहीं पर लाकर है, वहाँ पर आप लोग सामान रख दीजिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ अंदर जैसे कि आप लोग का बेल्ट हुआ, वॉलेट हुआ, मोबाइल हुआ, ये कुछ भी अलाउ नहीं है। और सिंपली आप लोग को जो नीचे कार्ड मिला था वो और पैसा वैसा लेकर जा सकते हैं दोस्तों। और हम यही लेकर गए, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि अंदर दोस्तों अलाउ नहीं है वीडियो बनाना और न तो मोबाइल लेकर जाना, ये प्लास्टिक का कोई भी चीज़ नहीं जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा तर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो गया है। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो करते हैं समाप्त, और आगे आप लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भैरव बाबा का मैं पूरा दिखाऊंगा, और अर्धकुंवारी का अभी हम लोग गए नहीं, तो अर्धकुंवारी का जितना होगा वो सब आप लोग को देखने का मिलेगा। तो दोस्तों सिंपली अब हम लोग चलते हैं और उसके बाद आगे का आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।